हेलो फ्रेंड्स, आज हम आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो मेथी जो होती है थोड़ी सी कड़वी लगती है, इसलिए बच्चों को और कई फैमिली मेम्बर्स को पसंद नहीं आती है। लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे, एक मैं मेन इंग्रेडिएंट बताऊंगी जो इसमें डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल रख दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्ची है, इनको बारीक चॉप कर लिया है। एक टमाटर है, एक आलू है और इतनी मेथी है। तो मेथी जो होती है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। और यहाँ पे एक प्याज है। तो इतनी सब्ज़ी मैंने बारीक चॉप करके रख ली है। अब जो कढ़ाई जब गर्म हो गई थी, ऑयल गर्म हो गया था, तो अदरक लहसुन हरी मिर्ची एक साथ डाल दूँगी। इनको 10 मिनट तक सौते करूँगी, फिर इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो ये जो मेथी की सब्ज़ी होती है बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। मेथी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको पता ही होगा। इनमें आयरन होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। हरी सब्जी खाना ही चाहिए। तो आप इस तरीके से बनाइए कि फैमिली में बच्चों को या सबको पसंद आ जाए। ऐसा टेस्ट एनहांस कर सकते हैं कुछ घर के ही कुछ चीज़ें डाल के। अब मैं यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी है और प्याज का कलर हम चेंज होने देंगे, गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तब इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे क्या, जो बेसिक्स मसाले हैं। तो एक तो टमाटर है डाल रहे हैं ना यहाँ पे, तो मेथी वैसे भी कड़वी नहीं लगेगी क्योंकि हम टमाटर डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा ना, तो मेथी का कड़वापन दब जाएगा, इसलिए आप टमाटर ज़रूर डालें, 1-2 टमाटर जितना आपको डालना है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक्स मसाले में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला लिया है। इन सबको मिक्स कर दूँगी और एक दो मिनट इसको सिकने दूँगी। तो मसाले को आप लो फ्लेम पर ही सेकिए, इससे क्या होता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये है मेन सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स, मतलब मैं यहाँ पर 1 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ सब्जी के अकॉर्डिंग। सब्जी मतलब मेथी और आलू, एक आलू है, मेथी थोड़ी है, इसलिए सिर्फ 1 चम्मच डाल रही हूँ। अगर सब्जी ज़्यादा है तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। तो बेसन डालने से क्या होगा कि अगर मतलब वैसे हमने टमाटर डाल दिए, वैसे भी ये खट्टा इसका कड़वापन मेथी का निकल जाएगा, और अगर आप बेसन भी ऐड कर देते हो ना तो मेथी जो है बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। आप एक बार घर पर जरूर ट्राई करके देख सकते हो। तो देखिए, अब यहाँ पर मैंने जैसे ही मसाला सिक गया, लो फ्लेम पर मसाले को सेकना है, मसाला सिक गया तो मेथी डाल दी और आलू डाल दी। आलू मैंने बिल्कुल बारीक काटे हैं, आप देख सकते हो, पतले पतले ही काटना है ताकि मेथी के साथ बहुत जल्दी हो जाए। तो इन सबको मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। मैं नमक अभी थोड़ी देर से डालती हूँ, पहले एक बार इसको ढक्कन लगा के रख दूंगी और 2 मिनट इसको पकने दूंगी। तो आप देखिए, 2 मिनट में ही आलू और मेथी जो है बहुत अच्छे से गल गए हैं। फिर मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। तो आप इस तरीके से घर पर मेथी की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करके देखिए, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। बच्चों को तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें मेथी है कि पालक है, क्या है। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। अगर आप टमाटर नहीं खाते हैं खटाई में, आप यहाँ पे जो अचार की राई होती है वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ जो आमचूर ले सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन खटाई डालना ज़रूरी है, इससे मेथी का कड़वापन निकल जाएगा। अब यहाँ पे आलू थोड़े से कच्चे रह गए थे, इसलिए मैंने 2 मिनट के लिए और इसको पका मतलब ढक के रख दिया है ताकि ये बहुत अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर हमारी मेथी की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, आलू मेथी की सब्ज़ी। अब लास्ट में हम धनिया पत्ती डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप इसको रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, जिसके साथ आपको पसंद है आप ले सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो गाइज, आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करिए, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। मेथी, आलू मेथी की सब्ज़ी आपको बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गाइज, हमारे सपोर्ट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक लिए टेक केयर, बाय। और मैं इस चैनल पर वर्किंग मोम्स के लिए इजी रेसिपीज़ और बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाना है वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे इस चैनल पे किड्स लर्निंग वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।